Hello guys, welcome to our classes. I am Om Prakash here again with 23rd March vocabulary the Hindu. Let's see what is here for you that is beneficial for your competitive exams. The very first word is withdraw. Withdraw का मतलब होता है किसी कार्य से पीछे हटना या अपना कोई चीज आप कोई समर्थन है कोई चीज है वो आप वापस लेते हो, मतलब कोई एक्शन आपने पहले किया उसको आप क्या करते हो, रिवर्स कर देते हो। जैसे आप इसका इंग्लिश एक्सप्लेनेशन समझिए, पुल आउट ऑफ समथिंग, ये फ्रेज होता है इसका। विथड्रॉ का अगर हम फ्रेज के रूप में लिखें तो पुल आउट ऑफ समथिंग होता है। ये दोनों सेम चीज है। इसका एक मीनिंग क्या होता है, टू मूव बैक और अवे फ्रॉम अ प्लेस और सिचुएशन, किसी स्थिति से आप क्या करते हैं वापस हट जाते हैं या फिर अपना पैर पीछे खींच लेते हैं, तो वो चीज क्या होती है, वो आपका विथड्रॉ होता है कि आपने हार मान ली वो चीज, या फिर आप कह रहे हैं कि आप अपनी बात से पीछे हट गए। जैसे कि द योगी गवर्नमेंट इन यूपी हैज इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ विथड्रॉइंग 131 क्रिमिनल केसेस कंसर्निंग द 2013 मुजफ्फरनगर कम्युनल वायलेंस। मतलब जो योगी आदित्यनाथ की गवर्नमेंट है उन्होंने क्या किया है, यूपी में शुरू कर दिया है प्रोसेस किस चीज का, ऑफ विथड्रॉइंग 131 क्रिमिनल केसेस, 131 आपराधिक मामलों को वापस लेने का, कंसर्निंग जो रिलेटेड है किससे संबंधित है, 2017 मुजफ्फरनगर कम्युनल वायलेंस, मतलब 2013 के मुजफ्फरनगर की सांप्रदायिक हिंसा से संबंधित 131 जो आपराधिक मामले हैं उन्हें योगी आदित्यनाथ गवर्नमेंट ने वापस लेने का फैसला किया है या उसने वापस लेने का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है। तो ये इसका हिंदी मीनिंग हो गया। अब यहाँ पर क्या है आखिर, देखिए इम्पोर्टेंट, कम्युनल वायलेंस मतलब होता है सांप्रदायिक हिंसा, मतलब सांप्रदायिक मतलब हो गया आपका कि जाति के आधार पर, अगर आप जाति के आधार पर आप हिंसा करवाते हैं अगर कहीं, तो वो आपका जो होगा सांप्रदायिक हिंसा होता है, ये कम्युनल वायलेंस जो होता है ये चीज। और यहाँ पर कंसर्निंग जो आया है, ये कंसर्निंग, इस कंसर्निंग का ये एक तरह से प्रीपोजिशन की तरह यहाँ जो होता है रिलेटेड टू, आप इसे सेंस में पढ़ सकते हैं, क्रिमिनल केसेस मतलब आपराधिक मामले। तो ये तो इसका विथड्रॉ का एक मामला हो गया कि यहाँ पर पीछे हट गया, उसने वापस ले लिया है ऐसी चीजें इस सेंस में। अब दूसरा विथड्रॉ का मीनिंग होता है टू स्टॉप गिविंग और ऑफरिंग समथिंग, कोई चीज आप दे रहे हैं, कोई सेवा है कोई चीज, तो उसे आप क्या करते हैं देना बंद कर दें, उसे हम कहते हैं विथड्रॉ करना। जैसे एग्जांपल में वर्कर्स हैव थ्रेटन्ड टू विथड्रॉ देयर लेबर, मतलब जो वर्कर्स हैं उन्होंने क्या किया है, उन्होंने चेतावनी दी है, धमकी दी है, चेतावनी दी है टू विथड्रॉ, मतलब कि वो कार्य करना रोक देंगे, विथड्रॉ देयर लेबर, वो अपना जो सेवा दे रहे हैं वो वहाँ पर लेबर गिरी कर रहे हैं, वो क्या करेंगे स्टॉप कर देंगे उस प्रोसेस को, ऐसा उन्होंने क्या किया, थ्रेटन धमकी दी है। जो थ्रेटन का मतलब होता है धमकी देना भी होता है और चेतावनी देना भी होता है, दोनों ही सेंस में ये यूज होता है। अब फर्क ये होता है अब किस कंडीशन में, अब वर्कर्स हैं वो धमकी तो दे नहीं सकते क्योंकि कितनी सारी संख्या में, और वो किसी आपकी बॉडी के अंदर काम कर रहे हैं तो उस बॉडी को वो धमकी तो नहीं देंगे, तो लेकिन बस ये है कि एक वार्निंग एक चेतावनी दे सकते हैं कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो हम ऐसा कर देंगे, बस ये चीज है, बल्कि और उसका थोड़ी ना कोई नुकसान कर सकते हैं, बस यही है कि अपना काम वो बंद कर देंगे। तो ये वर्कर्स हैव थ्रेटन टू विथड्रॉ देयर लेबर, ये आपने समझ लिया। आइए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में क्या है, बीट या किक द हेल आउट ऑफ समबडी। इसमें एक चीज मैं बताना चाहूंगा, बीट या किक दोनों में से कोई भी एक आ सकता है, और द ये जो आर्टिकल आया है, द आर्टिकल हो तब भी ठीक है, ना हो तब भी ठीक है, इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिखा है, दोनों ही केसेस में ये हो सकता है, द हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। और इसका मीनिंग होता है टू हिट समबडी वेरी हार्ड, किसी को बहुत तेजी से मारना है, किसी को बहुत चोट देना, किसी की पिटाई कर देना, इस सेंस में। आइए इसके एग्जांपल देखते हैं, आवर वॉचमैन इज इन द हॉस्पिटल, हमारा जो वॉचमैन है वो कहाँ है, हॉस्पिटल में है, बिकॉज क्योंकि अ बर्गलर, एक जो सेंध मार था एक घर में, मतलब उसके जो चोरी करते हैं बर्गलर सेंध मार जिसे कहते हैं, बीट द हेल आउट ऑफ हिम, मतलब उसे उसने क्या किया, उसने बीट द हेल आउट ऑफ हिम का मतलब हो गया बीट द हेल आउट ऑफ, इसका मींस आप यहां से लीजिए, उसे बहुत तेजी से मारा ही, मतलब उसे मींस कहने का कि वॉचमैन हमारा हॉस्पिटल में है क्योंकि जो सेंध मार आया था उसने उसे बहुत तेजी से पिटाई की, उसे बहुत तेज मारा, तो ये सेंस में आया यहाँ पर। तो आपको आई होप कि ये बीट द हेल आउट ऑफ हिम इसका मीनिंग समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है ब्रेक द साइलेंस, ब्रेक द साइलेंस मतलब होता है चुप्पी तोड़ देना, ये स्टार, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है टाइपिंग में, स्टार्ट स्पीकिंग मतलब कि
बोलना स्टार्ट कर देना, बातचीत शुरू कर देना, इस सेंस में आया है। इसका एक ये जो हिंदी मीनिंग है वो क्या है, चुप्पी तोड़ देना, ये सेंस में आया है। एग्जांपल में आप देखिए, जैसे 4 days after details emerged of massive breach, 4 दिनों में बात की, किसके 4 दिनों बाद, after details emerged of massive breach of privacy, बड़ी मात्रा में जो निजता का उल्लंघन है उससे निकलने वाली जो बाहर जो डिटेल्स निकल के आई हैं उसके 4 दिन बाद, और वो निजता का उल्लंघन है कैसा, निजता का उल्लंघन इन्वॉल्विंग डाटा ऑफ मिलियंस ऑफ फेसबुक यूजर्स, मिलियंस ऑफ फेसबुक, जो 50 मिलियन फेसबुक यूजर्स, अभी कल ही हालांकि न्यूज में आया था कि 50 मिलियन फेसबुक यूजर्स का जो डाटा है ऑफ प्राइवेसी का, तो वो क्या हो गया, लीक हो गया है, या उसे हार्वेस्ट कर लिया है, एक वर्ड मैंने कल बताया था, हार्वेस्ट इंफॉर्मेशन को चुरा लिया है, इकट्ठा कर लिया है, किसने, वो एक सी ए कंपनी थी कैम्ब्रिज एनालिटिका, उसने क्या किया, उसने किया था, तो उसी के लिए ये सेंटेंस है, आज फिर से न्यूज में आया है ये, इन्वॉल्विंग डाटा ऑफ मिलियंस ऑफ फेसबुक यूजर्स, मिलियंस ऑफ फेसबुक यूजर्स का जिसमें डाटा शामिल है, तो अब उसकी चलते 4 दिनों बाद उन्होंने क्या किया, 4 दिनों बाद द कंपनी सीईओ मार्क जुकरबर्ग, जो कंपनी के सीईओ हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मार्क जुकरबर्ग, कौन सी कंपनी, फेसबुक के, ऑन थर्सडे, उन्होंने थर्सडे को क्या कहा, ब्रोक द साइलेंस, अपनी चुप्पी तोड़ी, और इसलिए टू अपोलोजाइज, क्षमा मांगने के लिए, फॉर ए मेजर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, कि ये बड़े ही विश्वास का उल्लंघन है, ये सिर्फ प्राइवेसी का उल्लंघन नहीं, निजता का उल्लंघन नहीं, ये तो एक तरह से कहें कि विश्वास को तोड़ा है विद इट्स यूजर्स, अपने यूजर्स के साथ, एक तरह से वो क्षमा कह रहे मांग रहे हैं कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, सीए के साथ हमें उसका पूरा चेकअप, मतलब चेक करना चाहिए था, हमने इससे सिर्फ हमारा ही नुकसान नहीं हुआ, बल्कि ये एक तरह से कहते हैं कि जो हमारे यूजर्स हैं वो विश्वास करके अपनी इंफॉर्मेशन यहाँ फेसबुक वगैरह में डालते हैं, तो हम उनका भी एक तरह से विश्वास टूटा है, तो ये चीज़ वो कह रहे हैं, और इसके लिए बड़ा ही शर्मिंदा है वो। पूरा आर्टिकल अगर आप पढ़ें तो उसमें आपको समझ में आएगा काफ़ी चीज़ें उन्होंने कही हैं। तो ये चीज हो गया ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। यहाँ पर मैं एक दो चीजें हाईलाइट करूंगा, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का मतलब होता है विश्वास को तोड़ना, या विश्वास का उल्लंघन सेंस में तोड़ना ज्यादा सेंस रहेगा, और एक आया है ये ब्रीच ऑफ प्राइवेसी, ये ब्रीच ऑफ प्राइवेसी का मतलब हो गया निजता का उल्लंघन, ये चीज। इन्वॉल्विंग डाटा मतलब हो गया इन्वॉल्व, मतलब जिसमें शामिल है, क्या क्या शामिल है, डाटा ऑफ मिलियंस ऑफ फेसबुक यूजर्स, मिलियंस ऑफ फेसबुक यूजर्स के डाटा शामिल है, तो ये आ गया। अब देखिए थर्सडे के पहले हम प्रिपरेशन आया है, मैं सिर्फ हाईलाइट कर रहा हूँ आपको कि आपको पता लगता रहे कि हाँ ये रूल्स होते हैं, ठीक है, तो वो चीजें हो गई। एपोलोजाइज ये वर्ड होती है, इसका मतलब होता है क्या, क्षमा मांगना। इम्प्रोवाइज समथिंग मतलब हो गया कि तात्कालिक रूप से कोई काम चलाओ कार्य करना, वो इम्प्रोवाइज वर्ब होती है, वो चीज हो गया। जैसे इसका एक्सप्लेनेशन आप देखिए इंग्लिश में, टू मेक समथिंग यूजिंग वाट एवर इज अवेलेबल बिकॉज यू डू नॉट हैव वाट यू रियली नीड, मतलब टू मेक समथिंग यूजिंग वाट एवर इज अवेलेबल, जो भी आपके पास है उसी से आप कोई चीज ऐसी बना लें जिसका आपको आवश्यक है, और क्यों, जितनी आपके पास है उसी से बना लें, क्योंकि आपके पास अदर मटेरियल है ही नहीं, जो भी आपकी मटेरियल है आपके पास उसी से आप कोई चीज कोई कार्य कर ले, तो वो काम चलाओ जिसे कहते हैं, कि जो भी है यार काम निकालो अपना, वो चीज तात्कालिक रूप से कोई काम चलाओ काम करना, वो चीज। एग्जाम्पल में आप देखिए, ऑन मार्च 13, 13 मार्च को 9 CRPF जवान्स वेयर किल्ड, 9 CRPF के जवान मार दिए गए इन छत्तीसगढ़ सुकमा डिस्ट्रिक्ट, छत्तीसगढ़ की सुकमा जिले में, और कब, वैन ए माइन प्रोटेक्टेड व्हीकल, जबकि एक माइन मतलब होता है सुरंग, या फिर आप कहते हैं एक ब्लास्ट करने का बॉम्ब भी होता है एक तरह का, तो माइंस, तो माइन प्रोटेक्टेड, माइन से प्रोटेक्टेड व्हीकल दे वेयर ट्रेवलिंग, जिसमें वो यात्रा कर रहे थे, वाज ब्लोन अप मतलब एक्सप्लोडेड, फोड़ दिया गया, विस्फोट कर दिया गया, बाय एन इम्प्रोवाइज डिवाइस, एक काम चलाओ एक मामूली से डिवाइस, मतलब जैसे अब होते हैं ना जो आपके टेररिस्ट वगैरह, तो वो क्या करते हैं, या फिर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, मतलब कि चरमपंथी जो होते हैं, वामपंथी लोग, तो वो लोग क्या करते हैं कि ऐसे कोई मटेरियल एक्सप्लोसिव बनाते हैं जो कि हम लोग के आर्मी सोल्जर्स को नुकसान पहुंचाता है, तो वो इम्प्रोवाइज डिवाइस है, मतलब काम चलाओ एक बिना सभी संसाधनों की उपलब्धता के बनाया हुआ ऐसा कोई डिवाइस, वो चीज। तो ब्लोन अप यहाँ पर आपको समझना है, ब्लोन अप का मतलब आप होता है एक्सप्लोर समथिंग, किसी चीज का विस्फोट कर देना, फोड़ देना, ये सेंस में आया है। और यहाँ पर देखिए मार्च 13 के पहले ऑन प्रीपोजिशन आया, ये भी आप नोटिस करिए, आपको काम देगा आगे चल करके, और जगह जगह नोटिस करते रहिए। और यहाँ पर एक चीज मैं ग्रामर पॉइंट बताऊंगा, माइंड प्रोटेक्टेड व्हीकल दे वेयर ट्रेवलिंग फॉर, यहाँ पर एक रिलेटिव प्रोनाउन, जो रिलेटिव प्रोनाउन हु विच दैट चार होते हैं, तो उसमें ये जो यहाँ पर विच हैगा, विच यहाँ पे साइलेंट है, तो आपको ये भी ध्यान देना है। आइए नेक्स्ट देखते हैं,
आइए नेक्स्ट देखते हैं। डॉग समबडी समथिंग, डॉग समबडी समथिंग का मतलब हो गया किसी चीज कोई मतलब लंबे समय से किसी चीज को परेशान, किसी व्यक्ति को परेशान करना है, कोई किसी चीज में समस्या पैदा करते रहना, तो वो चीज हो गया। जैसे टू काज प्रॉब्लम फॉर अ लॉन्ग टाइम, मतलब लंबे समय से क्या करना, प्रॉब्लम क्रिएट करते रहना, तो उस सेंस में ये आया है, ठीक है। और इसमें क्या है, जैसे एग्जाम्पल आप पढ़ लीजिए तो आपको बेटर समझ में आएगा। एग्जाम्पल में ये दिया हुआ है, वी वांट चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल एंड एजुकेशन मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा टू सीट विद द एजुकेटिंग स्टूडेंट ऑफ AWU। मतलब हम चाहते हैं चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल और एजुकेशन मिनिस्टर जो कि हेमंत बिस्व शर्मा है, उनसे कि टू सीट विद द एजुकेटिंग स्टूडेंट्स, कि वो एजुकेटिंग स्टूडेंट जो प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थी हैं कहाँ के, AWU के, उनके साथ बैठें टू सॉर्ट आउट द इश्यूज, उनके जो मुद्दे हैं जिनको लेकर वो प्रदर्शन कर रहे हैं उनको सॉर्ट आउट करें, उनका निपटारा करें। और वो मुद्दे कैसे हैं, इश्यूज डॉगिंग द यूनिवर्सिटी, जो लंबे समय से विश्वविद्यालय को परेशान कर रहे हैं, विश्वविद्यालय को अड़चन आ रहे हैं उनके कार्य में या फिर समस्या पैदा कर रहे हैं, वो ऐसे इश्यूज में। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, एजिटेटिंग स्टूडेंट, एजिटेटिंग मतलब होता है प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थी, ठीक है। और ये सॉर्ट आउट मतलब होता है कि किसी चीज का निपटारा कर देना, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देना, रिजॉल्व करना, इस सेंस में आता है। नेक्स्ट देखिए, पेव द वे फॉर समथिंग, ये इडियम ये जो है आप ये कई बार मतलब क्लोज टेस्ट और पी की वारिस में भी काम आया है, और क्लोज टेस्ट पैसेज में बहुत ज्यादा मिलता है, जब SSC के पैसेज पूछे आते हैं तो वहां पर पेव द वे फॉर कई बार आया है पैसेज वगैरह में, और स्पॉटिंग इरर का भी पार्ट बन सकता है मे बी कभी। तो पेव द वे फॉर होता है मार्ग प्रशस्त करना, कोई कार्य आप कर रहे हो उस कार्य में और मतलब उसको सक्रिय कर देना, वो चीज। तो टू सपोर्ट समथिंग, किसी चीज को सपोर्ट करना और मेक इट हैपन, उसे उस कार्य को घटित होने देना, ये चीज मार्ग प्रशस्त करना, किसी घटना के घटित होने के आसार बढ़ जाना, ये इस सेंस में आता है। और जैसे आप देखिए यहाँ पे, द गवर्नमेंट्स मूव टू ऑफर मोर ऑटोनॉमी टू 60 क्वालिटी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हैज लेड टू द क्रिटिसिज्म फॉर टीचर्स एसोसिएशन हु पॉइंट आउट दैट दिस विल पेव द वे फॉर फीस हाइक्स। अब देखिए यहाँ पर कई चीजें सिखाने को है, आप यहाँ पहले सबसे पहले तो मीनिंग समझिए कि मीनिंग है क्या इस सेंटेंस का। ये पूरा एक पैरा है जो मैंने चूज कर लिया है द हिंदू से। द गवर्नमेंट्स मूव, जो गवर्नमेंट का प्रयास है, मूव मतलब पहल या उसका प्रयास, टू ऑफर कि वो ऑफर करे या फिर प्रदान करे मोर ऑटोनॉमी, मतलब और ज्यादा क्या, ऑटोनॉमी मतलब होता है स्वायत्तता, अब इसका एक्सप्लेनेशन मैं अभी दूंगा आपको। मोर ऑटोनॉमी मतलब और ज्यादा स्वायत्तता किसको, टू 60 क्वालिटी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जो 60 उच्च शिक्षा के क्वालिटी गुणवत्तापूर्ण संस्थान है उनको और ज्यादा स्वायत्तता दे। अब उसने क्या किया, हैज लेड टू द क्रिटिसिज्म, जो गवर्नमेंट की ये पहल है उस लेड टू द क्रिटिसिज्म, उसे बहुत ही आलोचना मिली है फ्रॉम टीचर्स एसोसिएशन, अध्यापकों के संगठन से। क्यों, हु पॉइंट आउट, जिन उन टीचर एसोसिएशन ने क्या किया, हु पॉइंट आउट, जिन्होंने सामने रखा है क्या, दैट दिस विल पेव द वे फॉर फीस हाइक्स, कि ये जो है जो फीस में वृद्धि हो रही है उसके लिए मार्ग प्रशस्त करेगा, मतलब फीस वृद्धि के आसार और बढ़ जाएंगे अगर ऐसा होगा। भाई सीधी सी बात है, अभी गवर्नमेंट के अंडर में अगर आपका एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है तो वो गवर्नमेंट उसमें जो हाइक करेगी फीस में वही हाइक होगा, लेकिन अब जब इंस्टीट्यूशनों को फ्रीडम मिल जाएगी तो सीधी सी बात है कि वो अपने हिसाब से मनमाना तरीके से पैसा वसूल सकते हैं। और यही तो हो रहा है प्राइवेट स्कूल्स में, यही प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट अभी तक निपटारा नहीं कर पा रही है कि क्यों इतनी फीस बढ़ रही है। जितना आप लोग बीटेक करने में 60 या 70 हजार रुपये खर्च करते हो IITs वगैरह में, अब तो 90 हजार से प्लस हो गई शायद समथिंग, और उतना ही आपको, आप यहाँ पर KG और LKG का एडमिशन कराना होता है तो उतनी आपको डोनेशन देनी पड़ती है 70 हजार 80 हजार रुपये। तो ये सब क्या है, गवर्नमेंट का रिस्ट्रिक्शन है नहीं और रिस्ट्रिक्शन को सही से इम्प्लीमेंट भी नहीं कर रहा है, इसीलिए फालतू में फीस वसूली हो रही है और लोग दे भी रहे हैं। तो अब यही सब तो करप्शन का पार्ट बन जाता है कि जब आपको पढ़ाना है 80 हजार देना है और आप जानते हो कि 20 हजार में कुछ होने वाला नहीं, 20 हजार 30 हजार की सैलरी में, तो करप्शन नहीं होगा तो क्या होगा, गवर्नमेंट खुद ही मोटिवेट करती है लोगों को करप्शन करो। द गवर्नमेंट्स मूव टू ऑफर एन ऑटोनॉमी, अब देखिए यहाँ पे मूव मतलब पहल होगी आपका या प्रयास हो सकता है ना, और ऑटोनॉमी मतलब होता है, ये वर्ड वर्ड में पूछा गया है SSC में, ऑटोनॉमी मतलब स्वायत्तता, मतलब किसी को कार्य करने की पूर्ण स्वतंत्रता देना, उसे ऑटोनॉमी कहते हैं। और यहाँ पर क्या बताने लायक है, लेड टू क्रिटिसिज्म, उसका परिणाम ये हुआ कि आलोचना मिली फ्रॉम टीचर्स, टीचर से, टीचर में देखिए एस लगा है उसके बाद अपोस्ट्रॉफी लगा है, इसका मतलब ये है कि टीचर्स प्लूरल है और उसके जब प्लूरल को
कोई आपका नाउन हो गया उसके लास्ट में एस लगा है, तो जब एपोस्ट्रॉफी वाला एस नहीं लगाया करते, सिर्फ एपोस्ट्रॉफी लगाने से वो एस समझ और वो पूरा एपोस्ट्रॉफी का सेंस देता है। मतलब लास्ट में एस हो तो उसके बाद एपोस्ट्रॉफी एस ना लगा करके सिर्फ एपोस्ट्रॉफी लगा दोगे आप तो पूरा कंप्लीट सेंस देता है, टीचर्स का एसोसिएशन इस सेंस में पढ़ा जाएगा। पॉइंट आउट मतलब आप समझ रहे, संकेत देना या फिर बताना इस तरह से, और पेव द वे फॉर फीस हाइक, पेव द वे फॉर मतलब मार्गदर्शन करना, फीस हाइक्स का मतलब होता है फीस में वृद्धि, ये चीज है जो आप पढ़ने के लिए देखते हैं। तो ये था मेरा कलेक्शन और आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।